ऑल राइट, सो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो हम यहाँ पर चार्जिंग भरवाने के लिए आए हैं। हमारी बैटरी की चार्जिंग खत्म हो गई है और अब चार्जिंग भरवा के आगे देखते हैं। सो फाइनली गौरव को यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिल गया और उसकी जो बैटरी थी खाली वो हमने उसको वापस कर दिया और चार्जिंग पॉइंट से हमने एक नई भरी हुई बैटरी उठा ली है और अब जा रहे हैं यहाँ पे। पहले जो चार्जिंग पॉइंट पे गए थे वहाँ पे हमें खाली बैटरी मिली थी चार्जिंग पॉइंट पे, और यहाँ पे आने के बाद गौरव को एक बैटरी मिल गई है फुल और अब भरवा के बस अब जल्दी हम जा रहे हैं। फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे और अब हम जा रहे हैं ऊपर। गौरव भी मेरे साथ में। 9 बज गए हैं और दीन पहुँचने वाला है यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे और हम लेने के लिए जा रहे हैं। अभी हम चढ़ने वाले हैं ऊपर। सो ट्रैफिक बहुत था यहाँ पे, हम आ रहे थे लोग। सो अभी टोकन लेंगे, टोकन लेने के बाद हम बैठेंगे मेट्रो में। अभी देखते हैं कितनी देर में मेट्रो आने वाली है। और यहाँ पे मास्क हमने लगा लिया है क्योंकि यहाँ पे गौरव बोल रहा था मेरे को मास्क लगाने के लिए। सो हम गलत डायरेक्शन से हम अंदर चले गए थे, हम एग्जिट जो साइड होती है उस साइड से हम चले गए थे और अब हम जा रहे हैं अंदर। सो अभी ये मेरी एक रेल निकल गई है और वो इसलिए निकली है क्योंकि मेरे को पता नहीं था प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मतलब जाने वाली है आनंद विहार के लिए। सो अभी हम नेक्स्ट ट्रेन का वेट कर रहे हैं और अभी आ जाएगी 5 मिनट के अंदर। सो अभी टाइम पास करते हैं 5 मिनट के लिए, देखते हैं क्या करने वाले हैं। बस कोई वीडियो बंद ना करवाएं। और मास्क हमने वैसे यूज़ कर लिया है क्योंकि गौरव मेरे को बोल रहा था मास्क के लिए कि मास्क की यहाँ पे ज़रूरत होती है, कोई देख लेगा तो यहाँ पे चलान काट देगा, तो इसलिए मैं मास्क लाना भूल गया था वैसे, लेकिन मेरे बैग में फिर भी मिल गया क्योंकि मैं बहुत टाइम से मतलब जब कोरोना आया था तब से मतलब मैंने मास्क देखो यहाँ पे मेरा पहली बार, तो मेरा मास्क देखो तुम लोग कैसा हो रहा है यहाँ पे, पैन वैन लगे पड़े हैं यहाँ पे एकदम से, कैसा हो रहा है रंग उड़ा पड़ा बिल्कुल एकदम से, पर यही है मतलब दिखाने के लिए यूज़ हो रहा है। और ठंड भी आ रही है ना तो थोड़ा नाक भी थोड़ा प्रोटेक्टिव कर लेती है, ये ठंड वंड लग रही है तो उससे थोड़ा ठीक लग रहा है। सो वैसे मेरे को एक चीज़ बताओ कि किसने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, क्योंकि मैंने यूट्यूब की जो सेटिंग होती है उसमें जाके मैंने देखा है कि तुम लोग यार वीडियोज़ देख जाते हो और इतने मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर भी तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। सो एक सब्सक्राइब तो यार बनता है ना, पहले सब्सक्राइब करो यार। तुम लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, मैं इसमें इस फोटो में तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 80% लोगों सब्सक्राइब नहीं किया है, 20 लोगों ने सब्सक्राइब किया है बस, तो अगर तुम सब्सक्राइब कर लो यार तुम्हारा क्या चला जाएगा, वीडियो देख के निकल जाते हो ये तो बुरी बात है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लो यार चैनल को और एक लाइक भी दे देना प्यारी सी और कमेंट भी। अभी 9:20 हो रहे हैं और डीन आने वाला है वहाँ पर, और यहाँ पर बैठे बैठे यार रेल भी नहीं आ रही है, टाइम पास भी नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं। ओ फाइनली मेरी रेल आ गई है, मेरे को भूख लग रही है, पहले बाद में बात करते हैं, पहले हम ट्रेन अपनी पकड़ लेते हैं, ये छूट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं फिर नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी, तो अभी पकड़ लेते हैं इसको। सो अब हम लोग जा रहे हैं रेड लाइन की तरफ और रेड लाइन हमें पकड़नी है, अभी हम ग्रीन लाइन से उतरे हैं इंद्रलॉक से। सो अभी यहाँ से हम रेड लाइन से पकड़ेंगे वेलकम के लिए। सो अभी हम वेलकम पर आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पर, और तुम लोगों को बता दूँ वेलकम से कुछ मेरी पुरानी और दर्दनाक यादें भी जुड़ी हुई हैं। देखो पीछे तुम लोगों को बता ही देता हूँ, ये वो खंडर हैं जहाँ पे हम एक बार आके वीडियो बनाने का ट्राई कर चुके हैं और सिक्योरिटी गार्ड वाले ने हमें मना कर दिया था वीडियो बनाने से, ये वही है। और अब यहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए आए हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड वाला फिर से मिलेगा हम लोगों को, तो अब हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, हमें मेट्रो चेंज करनी है, लाइन पर जा रहे हैं हम पिंक। वैसे तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम क्या करो, तुम लोग सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को जाके, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए ही तो ब्लॉग कर रहा हूँ। ये नाइट हो रही है देखो कितनी नींद आ रही है, पहले मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और जाके पहले सब्सक्राइब कर लो यार। सो फाइनली हम आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर आ गए हैं और ट्रेन आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर और मिलता हूँ यार उससे, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। तो हम लोगों ने टोकन अंदर डाल दिया है और अब हम बाहर जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन के पास में, वहाँ पे खड़ा है यहाँ पे डीन, उसको लेने के लिए जा रहे हैं और टाइम कुछ हो गया है शायद 10:30 के आसपास, देखते हैं वहाँ पे जाने के बाद। मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन अभी मेरे फ़ोन से तो नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, और
गौरव अभी कहीं बिजी है। कहाँ बिजी है भाई, कहाँ बिजी है? सुन भी नहीं रहा है, शायद वो अपनी बंदी के साथ में बिजी है। मजाक कर रहा हूँ, उसकी कोई बंदी नहीं है, पर होगी तो मेरे को क्या पता, उसने बताया नहीं मेरे को कभी उसके बारे में। देखो कितना सुनसान पड़ा है वैसे यहाँ पे बाहर, तुम लोगों को दिखा देता हूँ। देखो कितना सुनसान पड़ा है, रात में फुहारा भी चला रखा है। अभी हम लोग जा मेट्रो स्टेशन की तरफ, और ये है ISBT यहाँ पे। देखो पीछे की तरफ, ये ISBT है, बस स्टैंड यहाँ पे आ जाते नहीं। सो अब हम जा रहे हैं सही डायरेक्शन में, पहले हम लोग जा रहे थे गलत डायरेक्शन में, और उसके बाद मतलब जो डायरेक्शन थी वो गलत थी। हम ISBT के अंदर जा रहे थे हम दोनों के दोनों, और मैंने फिर उससे पूछा एक अंकल से कि ये रेलवे स्टेशन कहाँ पे पड़ता है, तो उन्होंने हमें बताया कि आगे जाके और लेफ़्ट मुड़ जाना तो वहाँ पे तुम लोगों को दिख जाएगा। तो अब हम वही जा रहे हैं, और ISBT है यहाँ पे। बस देखो यहाँ पे पीछे दिख भी रही होगी तुम लोगों को, यहाँ पे गेट है पीछे, वहाँ से निकलते हैं सीधा रोड के लिए। अब हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, आगे जाने के बाद बस टीम पहुँच ही रहा है वहाँ पे, अभी पहुँचा नहीं है। मेरे को लगा था पहुँच गया होगा, लेकिन अभी पहुँचा नहीं है वो डूट। मेट्रो में ऊपर जाने, तो फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पे आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन के यहाँ पे बाहर खड़े हैं। और डीन ने मेरे को बोला था क्लियर कि अगर मेरा फ़ोन नहीं लगता है तो यहाँ पे फ्लैग है, तुम लोगों को दिखा देता हूँ मेरे पीछे, ये देखो ऊपर फ्लैग है। तो डीन ने मेरे को साफ बोला था कि अगर हमारा फ़ोन नहीं मिलता है, दोनों का बैटरी वगैरह कुछ इशू होता है या नेटवर्क का कुछ इशू होता है, तो यहाँ पे फ्लैग के नीचे मिलना है, और मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अब डीन आएगा थोड़ी देर में, उसकी ट्रेन शायद लेट हो गई है आने में, तो अभी देखते हैं। हम यहीं पे खड़े रहते हैं तब तक, और वेट करते हैं डीन का। भूख भी लग रही है यार मेरे को, लेकिन मैं उसके बिना नहीं खा सकता अभी खाना, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर खाने का प्लान करा है। अगर मैं अकेले खाऊँगा तो फिर पैसे ख़त्म कर दूँगा। और ये देखो यार अभी भी बिज़ी है ये बंदा, किसके साथ है बिज़ी है देखो, तुम दिख नहीं रहा है, रेल देख रहा है। सो फाइनली यहाँ पे डीन का फ़ोन आ गया, और अब हम जा रहे हैं, वो स्टेशन से बाहर निकल रहा है, और आगे जाके देखते हैं कहाँ पे है वो। थोड़ा वैसे प्रैंक करी क्या उसके साथ में, प्रैंक करने का मन कर रहे हैं। भीड़ भी बहुत है यहाँ पे, और पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे 11 बज चुके हैं अभी, और भीड़ तो बहुत है, अभी पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा छिप के उसको थोड़ा परेशान करा जाए यार, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं हम लोग, और थोड़ी मौज मस्ती तैयार होनी चाहिए वैसे। लेकिन फिर सोच रहा हूँ यार नहीं, ट्राई करना चाहिए मेरे को। सो मैं तो परेशान करने वाला हूँ यार डीन को, क्योंकि इतने टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं, अब थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए यार। अब देखते हैं, मेरे को ये भी नहीं पता कि यहाँ वो किस साइड से आएगा, उस गेट से आएगा या उस गेट से आएगा। अभी छिपके मैं रहता हूँ, उसको यही बोलूँगा कि मैं फ्लैग के नीचे खड़ा हूँ, और उसको थोड़ा घुमाते हैं, उसको पागल बनाते हैं थोड़ा, और छिपके हम उसको देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। अरे बंदा आएगा पीछे से। मैं बंदे को यहाँ पे प्रैंक करने वाला था, उसके साथ में थोड़ा घुमाने वाला था, लेकिन ये बंदा मेरे पीछे से ही आ गया और मेरे को एकदम से धप्पा कर दिया इसने। भाई को पता ही नहीं है पीछे बंदा खड़ा है। अब देखते हैं, यहाँ पे नाइट कुछ ज़्यादा ही हो गई है, 11 तो बज चुके हैं। अब देखते हैं मेट्रो का सीन क्या होता है, मिलती है या नहीं मिलती है। अब घर जाना भी ज़रूरी है, अगर मेट्रो नहीं मिलती है तो देखते हैं कहीं ना कहीं तो जुगाड़ जरूर करेंगे। अभी पहले भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, देखते हैं कुछ खाने पीने का, और फिर उसके बाद देखते हैं आगे की अपडेट जरूर डालूंगा इस वीडियो में। ये गोरा वो भी यहाँ पे ATM मशीन में पैसे डाल रहा है टोकन लेने के लिए, यहाँ पे 3 टोकन ले रहा है। आगे पीछे करके डाल दे, जो होते हैं वहाँ पर मिलने के लिए, वो काउंटर बंद हो गया था। अरे हमारी मेट्रो निकल गई है लास्ट, अभी कुछ 11:10 हो रही है, और हम भाग के आए तीनों के तीनों, लेकिन हमारी मेट्रो निकल गई। अब देखो इसके बाद लास्ट कब आएगी, अभी एक लास्ट और शायद आ रही है, अभी वो देखते हैं मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत थक गए यार, भाग के आए हम लोग ऊपर, निकल ही गई वो, पहले मतलब खड़ी हुई थी और एकदम से हम ऊपर जैसे एंटर करे तीनों ने भाग के, तभी निकल गई वो।